भैया आपको शर्म नहीं आ रही एक बच्ची के आगे सिगरेट पीते हुए? तो बेटा क्या हो गया, मैं तो अपने अलग बैठ के पी रहा था, क्या हो गया? तो भैया आपको शर्म नहीं आ रही पीते? शर्म की क्या बात है इसमें, सिगरेट तो सभी पीते हैं, आप यहाँ पे क्यों आके बैठे हो, आप कहीं और जाके बैठ जाओ ना। चलो वो तो ठीक है, बात एक काम करो मेरे को भी एक सिगरेट देना। क्या पागल हो गए, एक्स्ट्रा तो होगी ना आपके पास? नहीं एक्स्ट्रा मैं दूंगा क्यों, पर अरे भैया दे दो ना, आपकी उम्र है सिगरेट पीने वाली, ये बताओ। अरे हाँ क्या हो गया, आपकी उम्र है? तो मेरी उम्र है, मैं तभी तो सिगरेट पी रहा हूं। सवाल जवाब मत करो ना, आपके पास एक्स्ट्रा तो होगी ना, आप सिगरेट पी रहे हो। आप मेरी बात सुनो बेटा, सुनो सिगरेट की बात नहीं है, आप उम्र देखो, आपकी उम्र कितनी है, स्कूल पढ़ते हो ना आप? हाँ तो पढ़ती तो हूँ। हाँ तो फिर आपको सिगरेट मांगते हुए शर्म नहीं आ रही है? क्यों आपको पीते हुए शर्म नहीं आ रही, मैं मांग रही हूँ तो बेटा मैं तो अपनी पी रहा हूँ ना, मैं आपसे कोई किसी को एक बात बताओ, मेरी उम्र में आपकी उम्र में फर्क है? आप स्कूल पढ़ते हो ना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं क्लास व्लास सब पार कर चुका हूँ, मैं तो स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं कॉलेज वॉलेज सब पढ़ चुका हूँ, मेरी एज में आपकी एज में फर्क है ना बेटा? हाँ तो फर्क क्या, फर्क को साइड हटाओ, मेरे को सिगरेट दो। मेरी बात सुनो, आप सिगरेट से दूर रहो पहले तो। क्यों रहूं दूर? और आप मेरी बात सुनो। हाँ सुन रही हूं, बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, ये बताओ। मेरे को सिगरेट पीनी है, ये प्रॉब्लम। तो ये सिगरेट पीनी तो आप कहीं भी जाके पियो, आपको कहीं पे क्या जाके पियो, आप पी रहे हो पूरे पार्क में, तो मैंने सोचा कि आपके पास आऊं आपसे मांग लूं। मेरी बात सुनो बेटा, सिगरेट पीना गंदी बात होती है, आपकी उम्र नहीं है सिगरेट पीने वाली, सिगरेट पीने से आपको पता है आपकी एज में कितना हार्म होएगा, पता है आपको इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं बताओ? इससे कैंसर हो जाता है, लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और आप हैबिचुअल हो गए ना तो आप बर्बाद हो जाओगे, पढ़ाई लिखाई के भी नहीं रहोगे। हाँ चलो ठीक है, मैं मेरे को नहीं पढ़ना लिखना, मेरे को सिगरेट पीनी है, मेरे को सिगरेट। मेरी बात सुनो आप, मैं आपको सिगरेट नहीं दे सकता हूँ, आपकी एज नहीं है बेटा, बच्चे हो अभी। अच्छा आपको पता है मेरी एज कितनी है? कितनी एज है आपकी? पूरे 14 साल की। तो 14 साल आपको पता मेरी एज कितनी है? कितनी? मैं 30+ हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं लीगल है मेरे लिए। आप अच्छा, क्यों पी रहे हो? पी सकते हो? हाँ मैं बिल्कुल पर पी सकता हूँ। पी सकते हैं? आप नहीं पी सकते हो बेटा, क्योंकि मैं स्कूल ड्रेस में हूँ इसलिए। स्कूल ड्रेस की बात नहीं है, आपकी एज बहुत छोटी है आप। नहीं भैया एक काम करती हूँ, मैं घर जाके पहले स्कूल ड्रेस चेंज कर आती हूँ, नॉर्मल ड्रेस पहन कर आती हूँ, फिर आप मेरे को सिगरेट दे देना। मैं नहीं दूंगा, मेरे को आपसे सिगरेट पीनी ही क्यों है? आपको मालूम है नुकसान कितना है सिगरेट पीने से? आप सिगरेट के पीछे पड़ रहे हो, आपको सिगरेट पीने का नुकसान मालूम है कितना है? हमें तो स्ट्रेस है, हम तो स्ट्रेस के मारे पीते हैं। अच्छा, टेंशन है बहुत ज्यादा। मेरे को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। किस बात की टेंशन है आपको? आपकी होमवर्क नहीं पूरा हो पाता, उस पे स्ट्रेस है, खेलने नहीं जा पाती, मेरे को उस बात का स्ट्रेस है। बस इसी इस बातों पे स्ट्रेस पे, इसको स्ट्रेस बोल रहे हो आप? हाँ तो आप भी, ये तो आपकी, मेरे को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मेरा सर घूम रहा है, मेरे चक्कर आ रहे हैं, मेरे को सिगरेट चाहिए। सिगरेट नहीं मिलेगी आपको, मेरी बात सुनो, आपको स्ट्रेस नहीं बोलते हैं उसको, तो क्या बोलते हैं? ये तो आपका रूल है, आपको पढ़ना लिखना तो पड़ेगा ना, आपकी एज पढ़ने लिखने वाली है, सिगरेट पीने वाली एज थोड़ी ना। आप मेरे को नहीं दे रहे सिगरेट? सिगरेट मैं क्यों दूंगा सिगरेट आपको, ये बताओ। तो आप पी रहे हो वो सब सही है भाई, मेरे लिए तो ठीक है ना, मेरी एज एक लीगल एज है मेरी, मैं तो पी सकता हूँ, आपको क्या दिक्कत है उससे? लीगल एज है, आप 30+ हो, इधर आओ ना, उधर तुम क्या जा रहे हो, इसे पहले तो फेंक दो। मैंने फेंक दी ठीक है, और अब आप सिगरेट के बारे में दोबारा मत बोलना, क्योंकि आपकी एज नहीं है सिगरेट पीने वाली। और आपकी एज है? मेरी एज है सिगरेट पीने वाली बेटा, आप सिगरेट के चक्कर में मत पड़ो ठीक है। सॉरी अगर मैं आपको डिस्टर्ब करा, आके बैठे मैं सिगरेट पी रहा था, लेकिन आपको सिगरेट नहीं पीनी ठीक है, आप आपकी एज है। मेरे को नहीं पीनी, पर जब आपको इस चीज के इतने साइड इफेक्ट्स पता हैं कि हाँ इससे मतलब ये बहुत हार्मफुल है ना, नुकसान पता है, सब चीज पता है कि इससे कैंसर भी हो सकता है, तब भी आप सिगरेट पी रहे हो, क्यों? आपकी फैमिली नहीं है? मेरी फैमिली सब है ठीक है, मुझे तो क्यों पीते हो? तो वो थोड़ा स्ट्रेस के मारे मैंने ले ली थी बस, और कोई बात नहीं। स्ट्रेस तो ऐसे मेरे को भी, ऐसे दुनिया में सबको स्ट्रेस है, सब थोड़ी पीने लग जाएंगे। चलो ठीक है, बताओ ना, आप पहले इधर बैठो, मेरी बात सुनो, अब नेक्स्ट टाइम से नहीं पीऊंगा सिगरेट, बस आपने मेरी आंखें खोल दी। और एक चीज और बताओ मैं आपको, जी ये जो मैं वैसे ना सिगरेट नहीं पीती हूँ, जो मैं आपसे मांग रही थी ना यहाँ, मेरे को भी सिगरेट दे दो, ये चीज मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ, मैं अभी बहुत छोटी हूँ जी, आपकी उम्र नहीं है सिगरेट पीने वाली, मैं तभी आपको मना कर रहा हूँ। पर बात छोटी की भी नहीं है, ये भी बात है, चाहे इंसान बड़ा भी हो जाए, नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सही बात। तो आप क्यों पी रहे थे? एक्चुअली मेरे को तो थोड़ा स्ट्रेस है, और थोड़ा मेरे को आदत पड़ गई है बस। तो आदत नहीं डालनी, नहीं आपको भी पता है इस चीज से कैंसर भी होता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है बहुत। उसी के लिए पता है मैं एक ना सोशल मैसेज के लिए एक वीडियो शूट कर रही थी। वीडियो शूट कर रही थी? सामने देखो कैमरा लगा रखा है, मैं एक वीडियो शूट कर रही थी, मैं ना आपको बहुत देर से देख रहे थे, आप इधर बैठ के ना सिगरेट पी रहे थे, पता नहीं कितनी पी चुके हो। मैं बहुत देर से काफी पी चुका। तो बस उसके लिए कि मैं एक लोगों को भी मैसेज देना चाहती थी, और एक आपको भी, कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, बहुत हार्मफुल होती है, गलत आदतों में नहीं पड़ना। नहीं बिल्कुल, तो परमिशन है वीडियो डाल चुकी हूं, और आगे से भैया मत, मैं नहीं पीऊंगा, डोंट वरी, बहुत हार्मफुल होती है, बिल्कुल नहीं पीऊंगा मैं, ठीक है भैया? ओके थैंक यू, थैंक यू, बाय।